जरा कुछ इसमें पुल में एक भी लोहा नहीं लगा है, एक भी लोहा नहीं है, एक भी कहीं लोहा नहीं, और ना एक और दाना मोरम लगी, क्या ना सीमेंट लगी, क्या बात है। दोनों चीजें, तीनों चीजें ये नहीं लगी है जी। और ये 1800 कुछ में बना था, 1800 कुछ में बना था। नीचे नदी देखी, अब ये ऊपर देखो पुल, मतलब आप विश्वास नहीं कर। अरे माधव, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मिनी ब्लॉग रहेगा क्योंकि हम आपको आज लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ ऊपर भी नदी है और नीचे भी नदी है, मतलब ऊपर नहर नीचे नदी। ये पड़ती है हमारे कानपुर से, मतलब हमारे घर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर पे वो नदी, मतलब पुल है। तो वो ऊपर भी नदी है, नीचे भी नदी है। वो अभी आपको दिखाएंगे, ये रास्ता है वहाँ का, तो अभी वहीं चल रहे हैं अपन लोग, पेट्रोल पंप पे। तो अभी फिलहाल हम लोग ये टंकी देखिए आप जो चली है, उसी रोड से जा रहा हूँ गाँव के भाई साहब। क्या बात है, मतलब गांव का गांव है। और हम अभी चलेंगे वहां पर, हम आपको दिखाएंगे कि जो नदी है वो नदी ऊपर के वहाँ एकता पार्क, शायद आप जानते हो कानपुर से हो गए आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा कि एकता पार्क यहीं पर पहले पड़ता था, तो वहाँ बंद कर दिया गया, बहुत बड़ा पार्क बना था वो, अंदर ही अंदर जंगल ज़्यादा था। और अभी पानी बहुत तेज चढ़ा हुआ ऊपर, भगवान जी भोलेनाथ इस समय सावन का पूरा मज़ा दे रहे हैं, और बरसात पे बरसात होती चली जा रही है। और फिलहाल अब कुछ लोग अभी चल रहे हैं हम लोग वहीं पर, फिलहाल ये रास्ता है जो कि है, और हम लोग बस चले जा रहे हैं एकदम आटे साटे, फिलहाल चलते हैं तो आगे जैसा होता है वो अब आपको दिखाएंगे अभी कैसा क्या सीन है। तो चलो हमारे साथ, तो बने रहो हमारे व्लॉग में। फिलहाल हम लोग ऊपर गाँव से अंदर हो गए, पिपर गाँव है कि कौन सा गाँव है, कोई गाँव नहीं है, मर्दनपुर है, सॉरी मर्दनपुर नहीं है। तो मर्दनपुर से होते हुए हम जा रहे हैं। ये तिराहा पड़ता है, इससे हम लोग अभी बाएं मुड़ेंगे, बाएं इसको बोलते हैं मेहरबान सिंह पुरवा। देखो सामने ये मेहरबान सिंह पुरवा वाला रोड है, तिराहा है, मेहरबान सिंह पुरवा वाले रोड पर हम लोग अभी हैं। और गेट से भी सीधे बाहर उसी पुल की तरफ, जो पुल ऊपर गए थे नीचे भी है नहीं, ये किसी घर है, यशवंत सिंह यादव का। आगे यहाँ पर अखिलेश यादव जी का भी घर है मेहरबान सिंह पुरवा में, पता है ना किसका घर था यहाँ पर, मेरे मेहरबान सिंह, उन्हीं के नाम पे बना था ये मेहरबान सिंह का प्रवाह। वही घर है वो वाला, वो जो पीछे वही था जो पीछे छूट गया, वही था दद्दा जी का, दद्दा कहते दद्दा, दद्दा दद्दा उनको बोलते हैं, दद्दा हाँ उनको दद्दा बोला जाता है। यहाँ शायद अखिलेश अखिलेश जी भी पास के यहाँ पर उस गाँव में आते हैं, क्योंकि पूरा सपा के अलावा कोई यहाँ जीत नहीं सकता, क्योंकि गढ़ होता है ना भाई, अपना अपना गढ़ है हर जगह का। तो यही है, हम लोग अभी फिलहाल अभी कॉलेज पहुँचे हैं, कॉलेज कहाँ कॉलेज, ये आगे तब जाएंगे। मर्दनपुर यहाँ से 1 किलोमीटर पे दिखा रहा है, शो हो रहा है मर्दनपुर 1 किलोमीटर, मोहनपुरम 00, तात्या टोपे नगर 500 मीटर, दैट्स इट, ओके ब्रो। और ये नर्सिंग कॉलेज चौधरी हरमोहन सिंह पैरा मेडिकल इंटर नर्सिंग इंस्टीट्यूट चौधरी हरमोहन सिंह फॉर मेडिकल साइंस एंड नर्सिंग राम गोपाल सिंह। और एक ये भी कॉलेज है, ये जी कॉलेज, भाई इन्होंने
देख रहे हो स्कूल कहाँ कहाँ, मतलब अंदर से अंदर कानपुर के अंदर से अंदर। ये देखो केसी इंटरनेशनल स्कूल। अब हम लोग यहाँ से पतली सड़क से होते हुए देखो कुजैनी कैनाल 1 किलोमीटर, अब यहाँ से राइट। और मौसम इतना गंदा हो चुका है मीन्स कि आप ये समझ लो इसको का है ना भाई, जोर मार दिए लोगों ने इसको का है। गांव में इन्होंने ऐसे तैसे कर दिया। ये गांव है, ये देखिए आप, ये गांव है। ये हम लोग ये दक्षिण का तो यहाँ बिजली का केसा का भी जमा होता है यहाँ पर। बाढ़ आ जाता है, बाढ़ यहाँ आता है तो पानी पानी भर जाता है, पूरा पानी पानी भर जाता है। कोई चीज बचती नहीं है यहाँ पर, पानी भर जाता है। रोड तो देख रहे हो बहुत खराब रोड है ये, मतलब बहुत एकदम विचित्र चीज है। बहुत आता है हमें भी गाय भैंस का आंकना यार, हम भी गांव से ही है नमानी। ये फिलहाल इतनी खराब रोडे हैं ये कि पूछो ना। और अभी हम चल रहे हैं जरा अभी बचा बुचू के चलना है इन रोडों में। अभी बस मुश्किल से 500 मीटर और बचा होगा जहां हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो हम अभी है। आगे चलो, ये देखो आप, ये रहा नीचे नदी है और ऊपर भी वो है, देख रहे हो भर गई है पूरी। ये देखो नीचे गुफा भी है वहां पर, पता है वो नीचे गुफा से अंदर रास्ता जाता है कि देखो अब नीचे नहर और ऊपर बस। ये देखो नीचे नहर देख लिया और ऊपर देखो ये, और ये पुल है, अबे यार ये पुल है। और मतलब दिखा रहा है, ये देखो नीचे नदी है, देखो पुल है, दिख रहा नीचे नदी देखी, अब ये ऊपर देखो पुल, पुल के ऊपर ये है चमत्कारी पुल, इसको बोलते हैं चमत्कारी पुल, इसको बोला जाता है चमत्कारी पुल है ये। और यहाँ फिलहाल अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कुछ है, पानी बारिश हो रही बहुत तेज। और ये देखो ये 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 ऊपर है और ये जस्ट आ गए हम लोग नीचे नीचे नीचे। बच्चे लोग जंप जंप मार रहे ना, चलते हैं अभी कुछ जरा कुछ ले लेते हैं, अभी तो हम यहीं पर ही हैं। और ये सामने यहाँ ये एकता पार्क है जो कि अब बंद हो चुका है, बट जब चालू था तो बहुत बढ़िया था ये, अभी बंद कर दिया इन्होंने क्योंकि कुछ पता नहीं कुछ शायद कांड डांड हो गया था इसलिए बंद कर दिया, लेकिन ठीक है चालू हो जाएगा ये भी, जब भी कुछ रेस्टोरेंट में है फिर चालू कर देंगे। फिलहाल ये हमारे दुकान पे यहाँ थोड़ा काम था क्योंकि बारिश बहुत तेज है, तो ले लेते हैं सामान फिर मिलते हैं आपसे। और जरा कुछ इसमें पुल में एक भी लोहा नहीं लगा है, एक भी लोहा नहीं है, एक भी कहीं लोहा नहीं, और ना एक और दाना मोरम लगी, क्या बात, सीमेंट लगी, क्या बात है, दोनों चीजें तीनों चीजें ये नहीं लगी है जी। और ये 1800 कुछ में बना था, 1800 कुछ में बना था, और तब ना 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 मतलब ना सीमेंट है और ना लोहा, ना लोहा है ना मोरम है, ना है। तो गाइस देखा आपने, ये इस तरीके का पुल है जो कि अभी अंकल ने बताया, ना सीमेंट ना लोहा ना कोई चीज से भी नहीं, और नीचे भी नदी और ऊपर भी नदी, नीचे नदी है पांडव ऊपर नहर रामगंगा, नीचे नदी है पांडव और ऊपर है रामगंगा नहर, ये है राम गंगा नहर और नीचे पांडव नदी। तो ये अभी अंकल ने बताया और ये इस मतलब इस जगह की खासियत है, चार पांच निपट जाते तब भी इस जोखिम में जान जोखिम में डाल के नहा रहे हो तुम लोग। अरे 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 भैया, ये 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 बात, अरे गजब क्या बात है। और यहाँ की खास बात है कि यहाँ साल में चार पांच लड़के तो चले जाते हैं, ये है सीन यहाँ का, यहाँ बताते हैं चार पांच लड़के तो चले जाते हैं आराम से, हैं विसर्जन ना। तो अब पुल के नीचे जा रहे हैं,
गुफा भीमी रास्ते में, जो कि अभी आप चलो मेरे साथ में। ये देख पा रहे हो पुल के मतलब नीचे, ये देखो नहर, इसको ये नदी है पांडु नदी। ये सब भरा था इसे बिल्कुल चौकस तरीके से। कैसा भरा था? तो देखो ये गुफा है अंदर, पानी से चूरा ऐसा कोई इंजीनियर तक नहीं बता पाता कहाँ से, और ये पानी से चूरा कोई इंजीनियर तक का नहीं बता पाया कि कहाँ से पानी इसमें चूरा है। ये आप समझ लो है नहर का, ये मेरे भैया जी का कहना है। अरे भयंकर, ये आप देख रहे हो कितना कैसे कीचड़ कीचड़ है, बहुत गंदा है यार। सही है, देख पा रहे हो? ये आप गुफा देखिए पहले, कितनी लंबी दिखाई पड़ रही है आपको, कितनी लंबी है, और कुछ जैसे मर गया है, ऐसा गंधा रहा बहुत बुरा। मतलब आप विश्वास नहीं कर, अरे महादेव हग के हिंदी में हग देते क्या? अरे इधर से निकलो नहीं मादर चोर, ये वीडियो बनाते रहे ना सुबह। ये नाली खुला है, पानी नदी का रास्ता है सामने, कहाँ इधर खुला रही। हाँ इससे दिमाग से बनाओ, अंग्रेजों ने रेड़ मार दी, कैसे बनाई नहीं का ये नहीं समझ में आ रहा। टंकी लग गई है, हाँ यार अंग्रेजों तक नहीं ढूंढ पाए थे कहाँ से पानी आ रहा है। ये देखो ये पानी आ रहा है, अंग्रेज भी नहीं ढूंढ पाए थे पानी यहाँ कहाँ से रहा है। माँ का पढ़े भाई बच्चा के आना बहुत काय लगी, हैं बच गए गिर जाते भाई, बहुत काय लगी आराम से पाड़े बिल्कुल आराम। चलो हम देख रहे हैं कैसे चलना, अरे दैया रही था देखना काई है। अबे पूरा पुल पार कर आए, अरे माँ का, अरे पुल कर मोबाइल तो करो, अरे लवड़ू फोन ला साले। ये हम लोग पूरा पुल उधर से क्रॉस करके इधर आ गए, अरे दैया ये बहुत बड़ी पानी पूरा उधर से निकल के इधर आया यार, नीचे नीचे यार। तो भाई ने आज पूरी जानकारी दी, भाई का नाम क्या था? रोशन, रोशन रोशन भाई ने आज पूरी स्कूल की जानकारी दी, क्योंकि ये यहाँ पहले से थे और ये यहाँ के रहने वाले हैं, तो इन्होंने पूरी जानकारी बताई फिलहाल। और बस इसी ब्लॉग को करते हैं यही पर एंड, ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।